तीन राज्यों में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों के दर्द को समझते हुए सरकार बनने के बाद 10 दिन में कर्ज माफी का संकल्प पत्र आम जनता के बीच रखा था। अब जब कांग्रेस तीनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है तो किसानों को उनके कर्ज माफ होने का इंतजार है। आपको बता दें कि एक किसान किन किन परिस्थितियों में लोगों का अन्न उगाकर पेट भरने का काम करता है, इसको समझने के लिए डीडी समाचार ने सीधे राष्ट्रीय स्तर के कवि के माध्यम से किसानों की पीड़ा को सामने रखने का प्रयास किया। देखिए कवि की जुबानी देश के किसानों को समर्पित। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि गोपाल पाठक मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से, मैं राष्ट्रीय किसान कवि हूँ। तो आज डीडी समाचार चैनल के माध्यम से आज मैं अपने दर्द, अपने किसान का जो दर्द है वो रखना चाहता हूँ। क्या है कि आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो किसान है, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो वो किसान है, और किसान के लिए कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। आप देखिए किसान हर एक घंटे में लगभग 2 किसान आत्महत्या करते हैं, 24 घंटे में 35 किसान आत्महत्या करता है छोटे मोटे कर्ज के लिए, और 9,000 करोड़ लेकर 10,000 करोड़ लेकर लोग विदेश रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या किसान होना पाप है? मैं समस्त देशवासियों से पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्या किसान होना पाप है? क्या किसान नहीं करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों को किसान गलत लगता है, उसकी कर्ज माफी गलत लगती है, सच बात तो यह है कि कर्ज माफी आज तक संभल के हुई नहीं। किसी का 10,000 माफ हो गया, किसी का 50,000 माफ हो गया, किसान को न्यूट्रल नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि कभी कांटों भरी राहों पे चलकर तो देखो, कभी कांटों भरी राहों पे चलकर तो देखो, कभी इस दोपहरी में चलकर तो देखो, और हरामखोर अक्सर कहते हो इनको मियां एक बार किसान बनकर तो देखो। बीमारी, पढ़ाई और बच्चों की शादी कभी गम इतने जीवन में लेकर तो देखो, और इन्हीं को सताते रहे उम्र भर हो, कभी नौकरों को अपने सता कर तो देखो। अरे क्या जानते हो किसान के बारे में? कभी इस देश का किसान सुखी नहीं रह पाया। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी के लिए निरा जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, पूर्ववर्ती सरकारें भी इसकी जिम्मेदार है। जब तक मैं इसको दावे से कहता हूं कि जब तक नौकर पैदा करोगे नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आप सबसे भावुक अपील करना चाहता हूं कि किसान के लिए वो सम्मान मिलना चाहिए जो इन जवान को मिलता है। जवान देश के लिए शहीद होते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन किसान भी देश के लिए शहीद होते हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनके लिए भी मैं इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं कि उन किसानों के लिए भी राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों के लिए भी, उसकी पत्नी के लिए भी 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि अगर एक आर्मी का व्यक्ति अगर शहीद होता है तो उसकी पत्नी के लिए 30,000 रुपए विधवा पेंशन मिलती है, और एक किसान मरता है तो उसकी पत्नी को 300 रुपए मिलती है। क्या उसका परिवार नहीं है, उसका घर नहीं है, या उसके बच्चे नहीं है, उसके खर्चे नहीं है? ये सरासर नाइंसाफी है देश के किसान के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसान के साथ इंसाफ कीजिए, उसकी पत्नी के लिए भी 30,000 ना सही कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन होनी चाहिए। वो जो किसान आत्महत्या करता है उसको कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए, उस जगह का कलेक्टर उसका जिम्मेदार होना चाहिए, और जो वाजिब दाम के से नीचे जो फसल खरीदते हैं, जो जो आजकल के जो दलाल हैं, उनके लिए एक नियत सजा होनी चाहिए। जब देश के अंदर 20 रुपए की पानी की बोतल बिक सकती है, तो जो 30 लीटर खर्च करके एक किलो गेहूं पैदा करता है, उस 30 लीटर में खर्च किए गए और पैदा किए गए गेहूं की जो कीमत है वो 17 रुपए है केवल। इतना अन्याय किसी देश में नहीं है जितना कि हिंदुस्तान के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके पैरों खिली पिवाई क्या जानो, हत्यारे हो पीर पराई क्या जानो, तुम कहते हो जल्दी ही भर जाएंगे, तुम कहते हो अच्छे दिन आएंगे ना, तो तुम कहते हो जल्दी ही भर जाएंगे, तुम इन जख्मों की गहराई क्या जानो, तुम नहीं समझ सकते। 20 रुपए की पानी की बोतल है, मैं कहता हूं उस 30 लीटर से जो पैदा किया गया एक किलो गेहूं है उसके लिए आप 20 रुपए लीटर के हिसाब से पैसा मत दीजिए, केवल 1 रुपए लीटर के हिसाब से ही दे दीजिए महाशय, 1 रुपए लीटर के हिसाब से। इसका मतलब होता है कि केवल 30 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं का आप मूल्य दे दीजिए, उसमें की गई मेहनत को छोड़िए, उसमें खाद, निराई गुड़ाई, मेहनत, पसीना, बीज, खाद सब छोड़ दीजिए, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें, केवल पानी का पैसा दे दीजिए, और वो भी 20 रुपए लीटर के हिसाब से नहीं, केवल 1 रुपए लीटर के हिसाब से दे दीजिए। देश का अन्नदाता सुखी होगा,
तो हर कोई खुश होगा। तो मैं बस अंत में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि दर्द में ये घिरा मेरा अगर किसान ना होगा, बनेगी स्वर्ग ये धरती क्या ये एहसान ना होगा, बनेगी स्वर्ग ये धरती क्या ये एहसान ना होगा। जवानों की ही जय जयकार करने वालों तुम सुन लो, जवानों की ही जय जयकार करने वालों तुम सुन लो, किसानों के बिना पल भर ये हिंदुस्तान ना होगा, किसानों के बिना पल भर ये हिंदुस्तान ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय किसान।